सनम, मैं सोच रही हूँ कि तुम आज से इस घर में खाना बनाना बंद कर दो। एक्चुअली क्या बात है ना कि मैं ये खाना नहीं खा सकती। मुझे कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक प्रोफेशनल शेफ रखते जो वेस्टर्न खाना बनाना जानता हो। और अगर बात सिर्फ खाने की होती तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, सूप, दैट वाज टू मच। बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। What? तो क्या मेरी गलती थी? तेवर तो देखो इसके, नौकरी जाने वाली, लेकिन मैडम की अकड़ नहीं गई। वाओ। देखो सनम, कल हमारा निकाह है, कल से मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि इस घर के लिए जो भी अच्छा बुरा है उसके फैसले मैं अभी से लेना शुरू कर दूं। डोंट वरी, मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगी। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम नॉर्मल काम कर सकती हो, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, दैट्स ओके विद मी। अब जब मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड कर ही लिया है तो वो देखो, मेरी वहां पर सैंडल्स रखी, उसमें बहुत मिट्टी लगी, तो वो ले जाओ, उसे साफ और पॉलिश करवा कर ले आओ। ओके, क्या हुआ? जाओ, डू इट, गो, हरी अप। चला नहीं, तुमने निदा ने क्या कहा? मेरी होने वाली बीवी जो मुझसे बहुत प्यार करती है, गुरूर पैसे का इस घर के लोगों को कभी किसी की कदर नहीं हो सकती। इस घर में सब ऐसे, खास तौर पे नवाब आहिल रजा इब्राहिम। मुझे लगता था इनके अंदर का इंसान अभी तक जिंदा है, पर मैं गलत थी। इंसान और इंसानियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। या अल्लाह, मैं आहिल से नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, हमेशा। सनम, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मुझसे तुम्हारे लिए मेरे दिल में यह मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती। आई हेट दैट आई लव यू सो मच। मैंने हमेशा मोहब्बत से नफरत की है, क्योंकि मोहब्बत दर्द के अलावा और कुछ नहीं देती। एंड दैट्स Exactly what happened. वो दर्द जो मेरे सीने में है, नफरत करता हूं मैं इस दर्द से।
नफरत करता हूं। सनम, मुझे खुद से नफरत है कि मैंने मोहब्बत क्यों की, क्योंकि मोहब्बत क्यों की। क्या तुम सनम के साथ निकाह करना चाहते हो? जी अम्मी, और आप जो खेल खेल रहे हैं मैं उसका हिस्सा बनना नहीं चाहता। ये बिसात हमने तुम्हारे लिए बिछाई है रेहान, हम चाहते हैं कि जीत बादशाह की हो। ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं रेहान, समझने की कोशिश करो। लेकिन अम्मी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल और सुकून की जिंदगी चाहिए सनम के साथ। अम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं यहाँ उसे हर पल बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। पर रेहान, अम्मी प्लीज, मैंने फैसला कर लिया है और अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो आप इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। कबूल कर ले? हमारा बेटा अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है और हम उसे कबूल कर ले? नहीं रेहान, ये कभी नहीं हो सकता। हमने तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या ख्वाब देखे। हमेशा से हम ये चाहते रहे कि तुम्हें एक बादशाह की तरह हुकूमत करो और तुम्हारा निकाह एक ऊंचे घराने की शहजादी के साथ, ना कि किसी मामूली नौकरानी के साथ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुमने अपनी सारी जिंदगी एक मुलाजिम की तरह बिताई, लेकिन तुम मुलाजिम नहीं हो रेहान, तुम इस घर के मालिक हो, हमारे बेटे हो रेहान, भोपाल की बेगम तनवीर के बेटे। मैं ऐसा ही हूं अम्मी, मुझे ये दौलत, ये हवेली, ये चमक धमक में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ये बात क्यों नहीं समझती? क्योंकि हमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है रेहान, यहां दौलत के बिना रह पाना बहुत मुश्किल होता है और मोहब्बत के बिना रहना नामुमकिन है। अम्मी, मेरी जिंदगी में खुशियों के पल बहुत कम रहे हैं। मैंने सोचा था कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैं आपके साथ बांटूंगा। खैर नहीं रेहान, देखो बेटा, ऐसा कुछ मत करना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा सोचने का वक्त हो। तुम तो जानते हो रेहान कि इस वक्त हम कितनी सारी परेशानी में उलझे हुए हैं। हाँ नहीं अम्मी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपनी नई जिंदगी जल्द से जल्द शुरू करनी है सनम के साथ। और आहिल भाई के निकाह के बाद मैं सनम को अपने दिल की बात बता दूंगा, और अगर आप उससे पहले इस रिश्ते को आपकी मंजूरी दे दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस ये एक आखिरी रात है, कल मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कल मैं बन जाऊंगी निदा बेग से, निदा आहिल इब्राहिम, पूरे भोपाल की छोटी बेगम। कल मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरे पास सब कुछ होगा, पैसा, पावर, पोजीशन, सब कुछ। निदा, क्या तुम्हें भोपाल की बेगम बनना कबूल है? जी कबूल है। इश्क, प्यार, मोहब्बत,
ये वो अल्फाज है जो मेरे लिए बने ही नहीं थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से मोहब्बत होगी, लेकिन आपकी मर्जी के आके किसी की चली है। बस ये एक रात है, कल मेरी किस्मत का फैसला हो चुका होगा, और आप जो फैसला लेंगे वो आहिल रजा इब्राहिम को कबूल है। भोपाल आते वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन जगह बदलने से किस्मत नहीं बदलती। शायद मेरी किस्मत में सिर्फ परेशानियां ही लिखी। कल भले ये पूरा घर निदा को अपनी नई मालकिन मान ले, लेकिन वो मेरे लिए कभी मेरी मालकिन नहीं बन सकती। मेरा और इस घर का साथ बस आज रात तक का है, क्योंकि मुझे रोज रोज अपनी बेइज्जती कराना मंजूर नहीं है। क्योंकि कल के बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। कल से मुझे एक नई नौकरी ढूंढनी होगी, और अल्लाह मियां आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे मुझे वो कबूल है। कल वाकई सब कुछ बदल जाएगा, कल मुझे मेरा हक मिल जाएगा, उसके बाद मुझे कोई भी सनम से अलग नहीं कर पाएगा। कल से मेरी इश्क की दास्तां शुरू होगी। सनम सिर्फ मेरी है, मैं उसे अपनी बनाकर रहूंगा, और मैं जानता हूं कि अल्लाह को भी मेरा और सनम की मोहब्बत कबूल है। ख्वाब देखो, हसीन ख्वाब देखो, लेकिन उनके पूरे होने की शर्त मत रखो, क्योंकि ख्वाब की तो किस्मत ही होती है टूट जाना। ख्वाब तो पूरे उनके होते हैं जो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। जैसे हमने कर दी। क्या तुम्हें भोपाल की बेगम बनना कबूल है? जी कबूल है। कल मेरी किस्मत का फैसला हो चुका होगा, और आप जो फैसला लेंगे वो आहिल रजा इब्राहिम को कबूल है। लमिया आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे मुझे वो कबूल है। कल मुझे मेरा हक मिल जाएगा, उसके बाद मुझे कोई भी सनम से अलग नहीं कर पाएगा। अब होगा वही जो हमें कबूल है। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो।
जाए ना जाए ना जाए ना। आई होप ईयरिंग सनम को फिट हो जाए। रेहान आप ये बाहर रख देंगे प्लीज। ठीक है। शुक्रिया। रुकिए मैडम, किससे मिलना है आपको? जी मैं सनम की बड़ी अम्मी हूँ, मुझे यहाँ बेगम साहिबा ने बुलाया है। अच्छा अच्छा, वो आप ही के इंतजार करेंगे वहाँ पर उस तरफ। जी शुक्रिया। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे जितनी जल्दी बन सका मैं यहाँ आ गई बेगम साहिबा। आज सुबह आपका फोन आया था और कल रात को रेहान हमारे घर पर आए थे। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। हम जानते हैं। ऐसा लगता है मानो अल्लाह ने हमारी सारी दुआएं कबूल कर दी। और हमारे भी। हम आपकी पोती सनम का हाथ मांगना चाहते हैं अपने बेटे के लिए। आहिल के लिए, आहिल के लिए। हम समझ सकते हैं, ये सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। हमें आपकी पोती का हाथ अपने बेटे आहिल के लिए चाहिए, ना कि रेहान के लिए। और हम ये भी चाहते हैं कि ये निकाह आज हो जाए।
तो बोलिए, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलिए। देखिए, अब ज्यादा मत सोचिए। आपकी पोती पूरे भोपाल की बेगम बनेगी। और देखिए, हमारे घर पर सिर्फ उसकी ही हुकूमत चलेगी। तो मंजूर है आपका ये रिश्ता?